लोकसभा में विपक्ष को जवाब देंगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज विपक्ष को जवाब देंगी। बजट चर्चा पर जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दोपहर करीब 3:30 बजे जवाब दे सकती हैं वित्त मंत्री। आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक, अहम अपडेट, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी, सत्र से पहले यह अहम बैठक होने वाली है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, इस बैठक में अनुपूरक बजट पर मंजूरी मिलेगी। आज योगी सरकार का अनुपूरक बजट पेश होगा, जिसको लेकर आज बड़ी और अहम बैठक होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट पर, यानी कि अनुपूरक बजट पर प्रस्ताव रखा जाएगा और प्रस्ताव पर मंजूरी मिलेगी। लोक भवन में सुबह 9:30 बजे बैठक का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। मैनपुरी में एआरटीओ विभाग लगातार खेल कर रहा, अधिकारियों की गाड़ियां हैं अनफिट। कई सरकारी गाड़ियों की बीमा फिटनेस पोल्यूशन नहीं। मैनपुरी में एआरटीओ विभाग खेल कर रहा है। आपको बता दें कि कई गाड़ियां हैं अधिकारियों की जो अनफिट है, उसके बाद भी संचालित की जा रही है। कई अधिकारियों की गाड़ियों की कागजों पे लिखा आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल, फिटनेस कैंसिल, बीमा कैंसिल। ऐसे अधिकारियों के लिए जिम्मेदारी अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो किसकी बनती है? ऐसी सूची अभी निकलवाई जाएगी। सूची निकलवाने के बाद उसमें देखते हैं कौन कौन गाड़ी अनफिट है, उसके बाद उन सबको नोटिस जारी किया जाएगा। आप जो परिवहन विभाग देखते हैं, आप आरटीओ हैं, एआरटीओ हैं, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपकी, आपने आपको आपने अवगत कराया हो कि फिटनेस कराएं या जो कागज इनवैलिड है उनको वैलिड किया जाए? आपकी तरफ से क्यों संदेश दिया गया? कराया जाता है, अगर ऐसा भी कोई वाहन है जिसमें अवगत नहीं कराया गया तो अवगत करा दिया जाएगा। अगर अवगत कराने के बाद नहीं हुई है तो फिर से बताया जाएगा। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। महाकुंभ पर्यटन स्थलों के विकास को धनराशि मिल सकती है, बसों की खरीद के लिए मिल सकती है धनराशि। आज अनुपूरक बजट पेश होगा, उससे पहले अहम कैबिनेट बैठक होगी। 1 अगस्त को पास कराया जाएगा बजट। योगी कैबिनेट से अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। विधानसभा में आज पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, आगरा से इस वक्त की बड़ी अपडेट। 4 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश सौरभ को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमलानगर लूटकांड का भी खुलासा हुआ है। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और व्यापारी से हुई लूट का मास्टरमाइंड था सौरभ। वहीं जिसको मुठभेड़ में ढेर किया गया, 1,20,000 रुपए तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। 3 बदमाशों की निशानदेही पर आरोपी सौरभ गिरफ्तार किया गया। पुलिस, एसओजी सिटी और सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। जनपद के कमलानगर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। मैनपुरी से बड़ी अपडेट, रिटायर फौजी का शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जूस बेचने वाले पर फायरिंग की और इस दौरान बार बार बचा जूस बेचने वाला। पुलिस के सामने भी छत से फौजी ने फायरिंग की। सूझबूझ से सिपाहियों ने आरोपी को दबोचा। शहर कोतवाली के ग्राम भोजपुरा का मामला बताया जा रहा है।
उन्नाव से अहम अपडेट सामने आई है, जो आज जाम लगाए परिजनों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस और नाराज ग्रामीणों ने पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। जाम लगाए महिलाओं पुरुषों पर लाठियां चलाई गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया। पत्थरबाजों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा। पुलिस ने जबरन शव अंतिम संस्कार के लिए भेजा। उन्नाव से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देर रात संदिग्ध हालात में घायल मिला था युवक। इलाज के दौरान हुई निजी अस्पताल में युवक की मौत। कोतवाली गंगा घाट के त्रिभुवन खेड़ा चौराहे की